तो गाइज़ आप सबका एक बार फिर से नए व्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं इसे कौन नहीं जानता और कौन नहीं पहचानता। आप लोग यहां आते होंगे जाते होंगे, बट आज मैं जा रहा हूं हरिद्वार। और मेरी इस पूरी यात्रा में देखिए मेरे साथ कौन कौन है। और हरिद्वार का सफ़र यानी कटरा से लेकर हरिद्वार तक, ऋषिकेश में जाने वाली ट्रेन हेमकुंड एक्सप्रेस में टिकट वगैरह करवाई हुई है। और देखते हैं हरिद्वार की ये मेरी यात्रा कैसी रहती है। और आप लोग बने रहिए इस पूरी जर्नी में। तो गाइस फाइनली ट्रेन आ चुकी है। इस ट्रेन का नाम हेमकुंड एक्सप्रेस है और ये ट्रेन लगभग 4:20 पे यहाँ से कटरा से निकलती है और अगले दिन सुबह जो है हरिद्वार आपको छोड़ देती है। इस पूरी यात्रा में पूरी ट्रेन में कैसा रहता है सफर आप लोगों को पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पहली बार मेरे साथ मेरी छोटी सिस्टर जा रही है हरिद्वार, मुझे कैसा लग रहा है? तो ये मतलब फूले ना समा रही है हंसी से, इसका दिल बाग बाग हो रहा है। कैसा लग रहा है मतलब ट्रेन में, मतलब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम हरिद्वार की यात्रा है? हाँ। फर्स्ट टाइम है। हाँ। इधर देख के करो ना, इधर इधर सामने। तो आप सबको जानते होंगे तो जितने भी लोग हैं, और ये जीजा जी हैं, पापा भी साथ हैं और मेरी मम्मी भी साथ हैं, छोटी सिस्टर, बाकी शिपाली भी हमारे साथ है। तो सामने बाहर का नज़ारा आपको दिखाएंगे जब ट्रेन चलेगी। दंदियां बनिया नहीं सी है नी है दंदियां बनी हाय गाइस हाली हाली फास्ट में चली ट्रेन इशू है नी सी। तो गाइज गुड मॉर्निंग, हरिद्वार से गुड मॉर्निंग आप सभी को नए ब्लॉग में। और फाइनली रात का सफ़र बहुत अच्छा रहा और अभी हम पहुंचे हैं हरिद्वार में और अभी देखेंगे होटल वगैरह और उसके बाद जाएँ हर की पौड़ी पर जाएंगे और वहां पर आपका नज़ारा आपको दिखाएंगे आज का। हर हर गंगे माता की जय, हर हर गंगे माता की जय, हर हर गंगे माता की जय। तो आज के गंगा माता के दर्शन।
गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। अपनी छोटी सिस्टर पहली बार ये हरिद्वार आई है और पहली बार इसे हरिद्वार देखकर बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेन यात्रा जो थी पहली बार थी सिस्टर के साथ, और बाकी सारे लोग पीछे आ रहे हैं, हम लोग थोड़े आगे आगे। तो आज बेसिकली इसका शौक है थोड़ी शॉपिंग वगैरह करना, तो हम लोग शॉपिंग वगैरह भी करेंगे। तो चलो चलते हैं।